तो हमारा टीम अंग्रेज को लंदन में हरा के अपना 200 साल पुराना गुलामी का बदला लेगा। खूब भालो शौपना। 15 अगस्त को रिलीज हो गया है गोल्ड मूवी और इसके लीड रोल में है अक्षय कुमार। 1948 साल में स्वाधीन भारत का पहला गोल्ड मेडल जो कि आया था हॉकी में, इसी को लेकर बनाया गया है ये फिल्म। इस फिल्म में अक्षय कुमार तपन दास का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये तपन दास है कौन? रियल लाइफ में तपन दास किस नाम के रोल अदा कर रहे हैं? चलिए आज हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू। देखिए, इट इज बीन इंस्पायर्ड, इसमें कई चीजें हैं जो फिक्शनल भी हैं। तो मैं ये मेरा कहना कि उनसे ली हुई है वो गलत रहेगा। तो काफी कुछ मिला मिलू के ये फिल्म के इस कहानी को पिरोया गया है। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गोल्ड फिल्म एक फिक्शनल इंस्पायर्ड फिल्म है 1948 के ओलंपिक में भारत के गोल्ड मेडल जीतने के ऊपर। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया है कि मूवी के लिए कुछ बदलाव किया गया है, तो उनके रोल में भी शायद बदलाव किया गया है। कुछ पॉपुलर वेबसाइट और कुछ पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी दावा कर रहे हैं कि तपन दास 1948 साल के इंडिया हॉकी टीम का कैप्टन का रोल अदा कर रहे हैं, जिनका नाम है किशन लाल। लेकिन नहीं, तपन दास किशन लाल जी का भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। तपन दास का कैरेक्टर है एक मिक्स्ड फिक्शनल कैरेक्टर। तो किस किस को मिलाकर ये कैरेक्टर बनाया गया है? आपने अगर मूवी देखा है तो आप जानते होंगे कि जर्मन ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले कुछ इंडियन स्वाधीन भारत का फ्लैग इंडिया टीम को दिखा रहा था, और वो फ्लैग लेकर अक्षय कुमार अपने आप में छुपा दिया था। लेकिन रियल लाइफ में हुआ था कि हॉकी टीम का ही टेक्निकल एडवाइजर केशव राजपूत उस फ्लैग को लेकर अपने कोट के अंदर छुपा कर रख दिया था। बाद में टीम मैनेजर को वो फ्लैग दिया था ताकि उससे भारतीय हॉकी टीम को कुछ प्रोत्साहन मिले। Kind of, for almost a year I was reading up and finally I found a little snippet about this gentleman who finally inspired Akshay's character Tapan, who apparently had pulled out the Indian national flag in the German Olympics. That to me was like the deciding moment. तब टीम मैनेजर था स्वामी जगन्नाथ, और टीम मैनेजर ही वो फ्लैग को दिखाकर हॉकी टीम को प्रोत्साहित किए थे। फिल्म में देखा गया था कि अक्षय कुमार प्रोत्साहित कर रहे हैं प्लेयर्स को। 1946 में जब अनाउंस हुआ ओलंपिक का डेट, तब देखा गया अक्षय कुमार को फेडरेशन स्काउटिंग का काम सौंप रहे थे, और उन्होंने ही कुंवर रणवीर प्रताप सिंह को ढूंढ के निकाला। लेकिन रियल लाइफ में कुंवर रणवीर प्रताप सिंह को स्काउटिंग करने वाले थे दिलीप दत्ता। 1948 में किशन लाल थे कैप्टन, और उन्होंने ही टीम प्लान और अपने टीम को प्रोत्साहित किया जा रहा था पहले से आखिर तक। यहाँ पर अक्षय कुमार को दिखाया गया है ये काम करते हुए। हालांकि देवांग चतुर्वेदी जो कि असल में था हॉकी टीम का कैप्टन 1948 साल में, फिल्म में उनका उतना योगदान नहीं दिखाया गया है। तो इतने सब होने के बाद भी अक्षय कुमार को बंगाली एक्सेंट या बंगाली वेशभूषा में क्यों दिखाया गया है? क्योंकि 1948 साल में ही भारतीय टीम मैनेजमेंट के असिस्टेंट मैनेजर था अनिल चंद्र चटर्जी, वो अपने टीम में पॉपुलर थे अपने एक्सेंट, अपने आउटफिट और अपने बंगाली हरकत से। तो उसी से इंस्पायर हुआ है अक्षय कुमार का ये बंगालीपन। तो दोस्तों, अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, इतने सब कैरेक्टर का मेल बंधन। तो दोस्तों, आपको क्या ये सब पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और क्या आप गोल्ड फिल्म देख आए हो या देखने वाले हो? नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा जरूर। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना, दवाई और कपड़े देते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुंह में हंसी लाइए।